कहानी कृष्णागढ़ की है। इस गांव में तीन सहेलियां रहती थी, सेजल, शांति और मीना। सेजल के कान बहुत तेज थे। वो मोटी शांति आने वाली है, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे उसके पैरों की टाप सुनाई दे रही है। तेरे कान इतने तेज है, बाप रे। और कुछ ही मिनटों में शांति वहां पहुंची। शांति का चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ तुझे, आज फिर मुंह लटकाए बैठी है? माँ ने बहुत डांटा, बोलती है मैं दिन भर खाती रहती हूँ। बोल रही थी तेरी भूख इतनी ज्यादा है कि एक दिन पूरा घर खा लेगी। सच्ची तो बोल रही थी काकी। तू भी ना सेजल, एक तो वो पहले से उदास है, ऊपर से तू आग में घी डाल रही है। यह अकेली 100 लोगों का खाना खा सकती है, तू सोच भला, इसके गरीब माँ बाप इसे कैसे पाल सकते हैं? इसमें मैं क्या करूँ, मेरा पेट कभी भरता ही नहीं। जिंदगी में आज तक कभी मैंने पेट भर कर खाना नहीं खाया। तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, मैं जा रही हूँ। अरे रुक तो शांति। और शांति नाराज होकर अपने घर चली गई। जाने दे, जब उसकी नाराजगी ठीक होगी तो वो खुद चली आएगी। हाँ वो भी है, वैसे भी मुझे नींद आ रही है। अरे सुत्तड़, दिन में 20 घंटे तो सोती रहती है। मेरी माँ भी यही कहती है, पर मैं क्या करूँ, मुझे नींद आती है, मैं जा रही हूँ। मीना को नींद आ रही थी और वो भी अपने घर चली गई। और फिर सेजल भी अपने घर चली गई। सेजल घर पहुंची तो घर में घुसते ही उसकी माँ ने उसे डांटना शुरू कर दिया। आ गई महारानी, पूरा दिन यहाँ वहाँ भटक कर मटर गश्ती करती है, शर्म वरम आती है या नहीं? अरे माँ, मैंने कौन सी गलती कर दी जो मुझे शर्म आए? अपनी माँ से जुबान चलाती है, दिन भर यहाँ वहाँ भटकती रहती है और मैं दिन भर मटके बनाते बनाते बूढ़ी होती जा रही हूँ। पर कभी मजाल है जो तूने मेरी मदद कर दी हो? मुझे मटके वटके नहीं बनाने। हाँ हाँ, तू क्यों मटके बनाएगी, तू तो कहीं की रानी है। रानी हूँ नहीं, पर बन जाऊंगी। सेजल ने अपने कानों पर हाथ रखा। हमें अपने युवराज के योग्य जीवन साथी चाहिए, जो विशेष हो और सुंदर भी। अरे तू सुन भी रही है क्या, मैं तुझसे ही बात कर रही हूँ। अरे माँ, मैं तो राजा जी को सुन रही थी। अभी अभी उन्होंने अपने मंत्री को कहा है कि युवराज के लिए लड़की ढूंढे, वो भी विशेष। और मुझसे विशेष कौन हो सकता है? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, राजकुमार से शादी करने के सपने देख रही है। सिर्फ सपना नहीं देख रही, बल्कि मैं राजकुमार से शादी करके ही रहूंगी। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। इस काम चोर को राजकुमार से शादी करनी है, पूरे राज्य का बेड़ा गर्क होना तय है। सेजल की माँ अपनी किस्मत का रोना रोते रोते अपने काम में लग गई और सेजल वही खड़े खड़े अपने सपनों में खो गई। यहाँ मीना अपने घर पे सो रही थी। उठ जा नालायक, दोपहर के 12 बजे है। न जाने कौन से मुहूर्त में मैंने इस कुंभारन को पैदा किया था, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। आज इसे देखने लड़के वाले आने वाले हैं और ये उठने का नाम ही नहीं ले रही। मैं उठाता हूँ। मीना के माता पिता ने बहुत कोशिश की, पर मीना तो मीना थी, वो तो गहरी नींद में सो रही थी। शांति ने अब तक 30 रोटियां खा ली थी। माँ जल्दी दो ना, भूख लगी है। अरे डायन कितना खाएगी, 30 रोटियां खाने के बाद भी तुझे भूख लगी है? अरे भुक्कड़, अब भगवान ही मेरे परिवार को बचा सकता है। शांति खाना मांगती रही पर उसकी माँ ने उसे खाना नहीं दिया। अगले दिन शांति, सेजल और मीना फिर से कुएं में मिले। कल मेरी माँ ने मुझे खाने ही नहीं दिया, बस 30 रोटियां दी। मुझे इतनी भूख लगी थी ना, क्या बोलूं? कल मेरी माँ ने भी मुझे बहुत सुनाया, बोलती है मैं काम की न काज की हूँ, लेकिन मुझे उनकी तरह मटके नहीं बनाना। तुम्हारी माँ ने तो कल डांट लगाई है, मेरी माँ तो आज ही बरस पड़ी। पर क्यों?
क्योंकि पूरा दिन मैं सोती रही और मुझे देखने लड़के वाले आए थे, वो मुझे सोता देख वापस चले गए। हम तीनों की माँओं का हमसे शिकायत है। शांति, तेरी माँ कभी तुझे भरपेट खिला नहीं सकती। मीना, तेरी माँ तेरे सोने से परेशान है और मेरी माँ मेरे बड़े सपने से परेशान है। वो तो है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक तरकीब है। हम राजा जी के पास जाएंगे। हम तीनों के पास अलग अलग शक्ति है। ये खा सकती है, तू सो सकती है और मैं दूर का सुन सकती हूँ। हमें उन्हें अपनी विशेषताएं बतानी होंगी और फिर राजा जी हम तीनों की ख्वाहिश पूरी करेंगे। मैं युवराज से शादी कर सकती हूँ, तू पेट भर के खा सकती है और ये बिना परेशानी के सो सकती है। वाह, ये तो बढ़िया है। हाँ, तीनों सहेलियाँ राज दरबार की ओर चल पड़ी। तुम तीनों कौन हो और तुम्हें हमसे क्या काम है? महाराज, मैं सेजल हूँ और मैं आपके बेटे से शादी करना चाहती हूँ। अच्छा मजाक है। मैं भला अपने राजकुमार की शादी एक गरीब और साधारण लड़की से क्यों करूँगा? हम भले ही गरीब है पर साधारण नहीं है। हम तीनों की तीनों विशेष है। अच्छा, तो क्या विशेषता है तुम तीनों की? ये शांति है, आप इसे जितना भी खाना खिलाओ इसका पेट नहीं भरेगा। ये मीना है, इसकी खासियत इसकी नींद है। ये दिन में 20 घंटे सो सकती है और कोई भी इसे नींद से जगा नहीं सकता। और मेरी विशेषता है मेरे कान, मैं दूर की आवाज भी एकदम स्पष्ट सुन सकती हूँ। अगर ऐसा है तो तुम सभी की काबिलियत परखना चाहेंगे हम। अगर हमने अपनी विशेषता सिद्ध की तो आपको वादा करना होगा कि आप राजकुमार से मेरी शादी करवाएंगे, शांति को जिंदगी भर खिलाएंगे और मीना को एक ऐसा घर देंगे जहाँ वो आराम से सो सके। मंजूर है, पर अगर तुम सब हारी तो मैं तुम सबका बाल मुड़वा दूंगा। हमें मंजूर है। शांति की खाने की क्षमता को परखने राजा जी उसे रसोई में ले आए और उसके सामने टोकरी भर भर के रोटियां, पूरियां, पराठे और ढेर सारा खाना रख दिया। खाना देखकर शांति बहुत खुश हुई और मिनटों में सारा खाना चट कर गई। राजा ने ताली बजाई और एक बार फिर खाना आ गया। इस सारे खाने को भी शांति झट से चट कर गई। ये सिलसिला दो बार और चला और फिर राज बावर्ची खाली हाथ राजा जी के सामने आया। महाराज, जितना भोजन था सब कुछ खत्म हो गया। 100 लोगों का खाना था, सब खत्म। मैंने कहा था ना महाराज, आप खिलाते खिलाते थक जाएंगे पर मेरी सहेली खाते खाते नहीं थकेगी। अब बारी थी मीना के सोने की। मीना को वैसे भी नींद आ रही थी। मीना बिस्तर देखते ही सो गई। महाराज ने ताली बजाई और ढोल नगाड़े वाले आ गए। मीना के कान के पास ढोल बज रहे थे पर वो तो कुंभकर्ण की भांति सो रही थी। कई घंटे बीत गए पर मीना उठी ही नहीं। आप चाहे तो और कोशिश कर सकते हैं। नहीं, बस काफी है। अब बस तुम्हारी परीक्षा बाकी है। तुम यहीं खड़ी रहोगी, हम भीतर जा रहे हैं। हम अपने मंत्री से कुछ कहेंगे और जब हम लौट कर आएंगे तो तुम्हें हमें बताना होगा कि हमने क्या कहा। ठीक है महाराज। महाराज दरबार में गए और उन्होंने मंत्री के कान में बोला, ये तीनों लड़कियां सच में विशेष लग रही हैं। अगर सेजल ने अपनी विशेषता सिद्ध कर दी तो हम सेजल और राजकुमार की शादी जरूर करवाएंगे। ये सब महल के बाहर खड़ी सेजल ने सुन लिया और फिर राजा जी बाहर आए। बोलो सेजल, हमने मंत्री से क्या कहा? आपने मंत्री जी से कहा कि हम तीनों सच में विशेष हैं और अगर मैंने अपनी विशेषता सिद्ध कर ली तो आप मेरी और राजकुमार की शादी जरूर करवाएंगे। वाह! महाराज ने सेजल के लिए ताली बजाई। सेजल, तुम सच में विशेष हो।
तुम्हारी ये दूर की ध्वनि सुनने की शक्ति अद्भुत है। मुझे खुशी है कि मेरे राजकुमार को तुम जैसी विशेष जीवन साथी मिलेगी और तुम्हारी दोनों सहेलियों को हम एक महल देंगे जिसमें ढेर सारे अनाज होंगे। शांति हमेशा खा सकती है और मीना सो सकती है बिना किसी तकलीफ के। धन्यवाद महाराज। महाराज ने सेजल के लिए तालियां बजाई। सेजल और राजकुमार की शादी हो गई और सेजल का सपना पूरा हो गया और यहाँ शांति और मीना को अपना महल मिल गया। शांति जितनी मर्जी उतना खा सकती थी और मीना आराम से सोती रहती। तीनों अद्भुत सहेलियों की इच्छाएं पूरी हो गई।